तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरी कुछ पतंगे हैं, ये मैंने नई पतंगे ली हैं, ये उस्ताद अली नवाब जी की पतंगे हैं। तो मैं अपनी पतंगों को दीमक से बचाने के लिए ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसे ये पतंगे रखी हुई हैं, और मैंने एक नया ये पैकेट लिया टर्मिनेटर का, इसमें थोड़ा सा छेद करा और इनकी काप्स पे, कमानी पे मैं थोड़ा पता नहीं थोड़ा छिड़क लेता हूं। इससे कम से कम मेरे दिमाग में ये रहता है कि जब ये पतंगे एक संग रहेंगी तो इनके अंदर घुन नहीं लगेगा। ये स्पेशली मैं नई पतंगों के संग करता हूं। ये सदरे आलम जी की पतंग है, ये देखिए, बहुत से डिजाइन है इनके अंदर। बड़े तरीका मुझे सेफ लगता है, तो छोटी टिप थी, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पतंग मेरी बहुत ये रेयरली मिलती है काइट मेकर से। देखो ये पतंग है, जैसे राजा, ये है राजा काइट मेकर मेरठ से, बहुत अच्छी हद्दी है और बहुत कॉस्टली हद्दी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सेफ रहे, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर ट्रेवल करता हूं, नहीं देख पाया, तो उसको बचाने के लिए मैं उनमें ये टेक्निक यूज करता हूं। आप भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रहे ये जहर है, फ्लेमेबल भी है, बच्चों की रीच से दूर रखें और पतंगों के पास रखें कि आपकी पतंगे सेफ रहें। सो बने रहिए मोटा भाई संग, और अपनी पतंग और मांझे केयर कैसे करते हैं हम बताएंगे। थैंक यू।